अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरफराज अहमद और शोएब अख्तर की लड़ाई बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई है। शोएब अख्तर ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो शायद शोएब अख्तर को नहीं कहने चाहिए थे। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इबरतनाक शिकस्त हासिल की वेस्ट इंडीज से, तो शोएब अख्तर ने कहा कि सरफराज अहमद का इतना बड़ा पेट है और इतना बड़ा मुँह है, जब खेलने के लिए आते हैं तो क्या वो मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिताएंगे। तो उनकी ये बात करनी थी कि लड़ाई और बढ़ती गई, काफ़ी करेक्टर इस लड़ाई के बीच आए और उन लोगों ने क्या क्या इस लड़ाई का कहा, मुकम्मल तफसील आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो बिल्कुल भी फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर लेटेस्ट न्यूज आपको बिल्कुल फ्री में और वक्त पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को तफसील बताते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर डिसअपॉइंटेड नजर आई और सरफराज अहमद समेत तमाम खिलाड़ी आउट होते चले गए, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कड़ी तनकीद की गई। वहीं पे सरफराज अहमद पर तनकीद करने के साथ साथ शोएब अख्तर ने भी कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि उनका बड़ा पेट है, बड़ा मुंह है, खेलने आते हैं और पाकिस्तान टीम को हरवा कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, वहीं मुईन खान का कहना था कि शोएब अख्तर कौन सा खुद फिट खेलते थे, एक मैच खेलते थे तो दूसरे मैच में वो अनफिट होते थे। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है शोएब अख्तर पर। तो दोस्तों, वाजह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब साउथ अफ्रीका से मैच आ रही थी तो सरफराज अहमद ने कुछ उनके खिलाड़ियों को गालियां दी थी, जिसके बाद शोएब अख्तर के काफी रद्दअमल जाहिर हुए थे। तो दोस्तों, कमेंट करके आप ही बताइए कि क्या शोएब अख्तर सही हैं या सरफराज अहमद। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, आलानी के पास।